दुनिया में बदलते माहौल के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं भारत अपने मित्र देशों को लगातार यह सहायता उपलब्ध करा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने मालदीव को भी मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ मदद सामग्री भी भेजी है। आपको बता दें कि यह मेडिकल सामग्री मालदीव में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने मालदीव के अधिकारियों को सौंप दी है। वहीं मालदीव को भी भारत की तरफ से 370 कार्टून के 7.5 टन वजन की दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी भेज दिए गए हैं, जिसमें सर्जिकल मास्क, ग्लोव्स और सैनिटाइजर भी इसमें शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को मेडिकल सामग्री भेजकर इस रोग के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहा है, बल्कि भारत ने बांग्लादेशी, मालदीप और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी चीन से निकालने की मदद की है। वहीं भारत ने जब से भारतीय छात्रों और नागरिकों को लाने के लिए विशेष विमान भेजा, तो वहीं विमान के जरिए पड़ोसी देशों ने भी अपने नागरिकों को वापस लाने की पेशकश की और उस विमान के जरिए मालदीव और बांग्लादेश के नागरिक भी वापस आ पाए हैं। आपको बता दें कि भारत में 15 मार्च तक इस रोग के 105 मामले सामने आ गए हैं और 2 लोगों को अभी इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी भारत इसे निपटने के लिए पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हालत अभी काबू में है। इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क देशों के साथ एकजुट होकर इसके खिलाफ नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री के आह्वान पर तमाम सार्क देशों के प्रमुख इस मामले पर पुख्ता रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा भी करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों को मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ इस रोग के खिलाफ हर मदद की पेशकश की है। उसी के तहत यह मदद मालदीव को भी पहुंचाई गई है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए अपने देशों में तो लोगों को बचाने के लिए हर इंतजाम तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत अपने पड़ोसी देशों को भी ख्याल रख रहा है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में हर मदद का भरोसा दिलाया था और उसके बाद भारत की तरफ से चीन को मदद के तौर पर सर्जिकल मास्क और सैनिटाइजर और ग्लोव्स के साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट्स भी भेज दिए गए हैं। तो ये होती है सच्ची देशभक्ति, जो कि मोदी जी बहुत ही बखूबी तरह से निभा रहे हैं।